वाटर पंप। बहुत पहले जनकपुर नाम के गांव था। उस गांव में किसान बारिश पर ही निर्भर थे। अगर समय पर बारिश नहीं होता तो बेचारे खेत सूख जाते और किसानों को बहुत नुकसान होता। उस गांव में दो झील पास पास ही थे। उसमें एक झील को अपना कहकर उस गांव का पहलवान दारा सिंह ने एक बूंद भी लोगों को लेने नहीं देता था। इतना ही नहीं, वो पास वाले झील के पानी को भी वाटर पंप द्वारा अपने झील में भरता था। इस वजह से बाकी गांव वाले और किसान उस झील के पानी से वंचित रहते थे। इस तरह वे बहुत गरीबी में जी रहे थे। उस गांव में धर्मेंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी थी अमृता और बेटे का नाम था पीकू। पीकू बहुत होशियार था। अपने झोपड़ी के बाहर माँ को लकड़ी का चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रही देखकर पीकू ने एक आवर्धक लेंस का एक स्टैंड तैयार किया। सूर्य की किरणों की तरफ उस स्टैंड को एडजस्ट करना था, बस वो चूल्हा अपने आप जलने लगता। अमृता और धर्मेंद्र बेटे की होशियारी देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार धर्मेंद्र ने दूसरे किसानों को बुलाकर, ऐसा नहीं चलेगा, इससे पहले कि वो जमींदार झील के पानी को खाली कर दे, हमें उस पानी से अपने खेतों को सींचना होगा। ऐसा करना हो तो एक वाटर पंप खरीदना होगा, चाहे उसके लिए अपने आप को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, वरना अपना खेत बंजर भूमि हो जाएगा। सब किसान मान गए। यूं सब ने उधार लेकर एक वाटर पंप खरीदा। उस झील में वाटर पंप द्वारा पानी सींच कर नाले द्वारा खेतों को सींचने लगे। ये देख पहलवान सहम गया। अपने असिस्टेंट को बुलाकर, अरे सुन, ये लोग होशियार हो गए हैं। वाटर पंप खरीदने से क्या होता है, उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए ना, इनका बिजली काट दो, एक घंटे के लिए भी वो पंप नहीं चलना चाहिए। बिजली ना होने के कारण किसान निराश होकर पंप के पास खड़े होकर देखते रहे। पीकू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। एक दिन पीकू उस गांव में ऑटो शंकर से मिला। चाचा, सुना है आपका ऑटो गैस सिलेंडर से चलता है, ये कैसे मुमकिन है चाचा? ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है बेटा। गैस से मोटर चलाने के लिए एक छोटा सा कन्वर्टर होता है, बस इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। पीकू ने किसानों की परेशानी उसे बताकर, क्या आप मुझे एक कन्वर्टर दिला सकते हैं? ऑटो शंकर का दिल पसीज गया और उसने कहा, जरूर दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद पीकू ने अपने घर के गैस सिलेंडर को उस कन्वर्टर से फिट किया और मोटर पंप के साथ जोड़ दिया। सब किसान बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे। पंप का स्विच ऑन किया, बस वो चालू हुआ और पानी आने लगा। किसानों ने ताली बजाई। धर्मेंद्र ये देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा, इस वाटर पंप के बारे में पहलवान को पता नहीं लगना चाहिए। पता चला तो इसे भी वो किसी तरह से बिगाड़ देगा। इसको रात को ही चलाएंगे और इसकी मदद से उसे सबक सिखाएंगे, क्या कहते? सब ने खुश होकर हाँ कहा। उस दिन से हर रोज रात को झील के पानी सींचने लगे। इसी तरह पहलवान के झील से पाइप द्वारा पानी निकालकर उस झील में भरने लगे। फिर उस सिलेंडर को लेकर चले जाते थे। सवेरे पहलवान आकर खेत में और अपने झील में पानी देकर परेशान हो गया। वो सोचने लगा, बिजली तो है नहीं जो पंप चलेगा, तो इन्हें पानी कहां से मिल रहा है, मेरे झील में पानी कम कैसे हो रहा है। उसी तरह पीकू उन किसानों की मदद से वाटर पंप का पाइप डालकर पहलवान के घर में से कुएं का पानी निकालने लगा। उस पानी को गांव वाले घड़ों में भरकर अपने घर ले जाने लगे। इस तरह उनकी पानी की समस्या दूर हुई। यूं पहलवान के झील सूख गई, घर का कुआं भी सूख गया, तो नहाने के लिए भी पानी नहीं था। कुछ दिनों बाद पहलवान की फसल नहीं उगी तो उसका भारी नुकसान हुआ। बाकी किसान फसल उगाकर खुश थे। एक दिन पहलवान किसानों के पास आया और, भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके बताइए कि हो क्या रहा है, यूं ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, घर में बर्तन मांजने के लिए भी पानी नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सब आप ही लोग कर रहे हैं,
मुझे माफ करें और मेरे परिवार को बचा लें। देखा पहलवान जी, लालच बुरी बला है। ये तो सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर स्वार्थी होकर सब कुछ आप अपने लिए ही रखकर दूसरों को तकलीफ दे देते। पर आप भूल गए कि आप अकेले हैं और हम सब 100 हैं। कम से कम अब तो सुधर जाइए, हम भी आपकी मदद करेंगे। सब किसानों ने ताली बजाई। पहलवान ने शर्म से सिर झुका लिया। वॉशिंग मशीन लस्सी। एक गांव में देवाशीष नाम का एक धोबी रहता था। वो साइकिल पर घर घर जाकर धोने के लिए कपड़े लेकर आता था। उसे नहर के पास ले जाकर धोकर इस्त्री करके उन्हें वापस लौटा देता था। कुछ दिनों बाद कई लोगों ने वॉशिंग मशीन खरीद लिया। देवाशीष एक औरत से, क्या हुआ मैडम, आपने मुझे कपड़े देना बंद कर दिया है? क्या मैं आपके कपड़ों अच्छी तरह नहीं धो रहा हूँ? नहीं भाई, हमने हाल ही में एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया है। वॉशिंग के लिए मशीन? वो होता कैसा है मैडम? वो उसे अंदर ले गई और वॉशिंग मशीन को दिखाया। यही कपड़े धोती है और यही कपड़े को सुखाती भी है। देवाशीष वॉशिंग मशीन को देखते हुए हैरान होकर, मैडम ये तो मिक्सी का मदर लगता है। यूं उस गांव के लोगों ने देवाशीष को कपड़े देना बंद किया तो देवाशीष ने अपनी पत्नी से आकर, अब मैं धोबी का काम करना छोड़ रहा हूँ, कोई छोटा सा धंधा शुरू कर लूंगा। बहुत सोचा, तुम लस्सी अच्छी बनाती हो ना, तो अपने गांव में एक भी लस्सी की दुकान नहीं है, लागत भी ज्यादा नहीं है, अपने घर में जो मिक्सी है वही काफी है। पत्नी शशि ने ठीक है कहा। यूं उन्होंने उस गांव में एक जगह एक टेबल पर मिक्सी को रख कर धंधा शुरू किया। शशि लस्सी बनाती थी तो देवाशीष उन्हें ग्लास में डालकर ग्राहकों को देने लगा। लस्सी बहुत बढ़िया होने के कारण लोगों की लाइन लग गई। शशि डिमांड के हिसाब से तेजी से लस्सी नहीं बना पा रही थी, इस कारण कुछ लोग प्रतीक्षा किए बिना चले जाते थे। अरे सुनो जी, अब हम और एक मिक्सी लेगा ठीक होगा। कस्टमर खींच कर चले जाते हैं। तब देवाशीष को एक उपाय सूझा। तुम्हारे इस अद्भुत लस्सी के लिए मिक्सी काफी नहीं है, वॉशिंग मशीन लाना होगा। क्या वॉशिंग मशीन? उसे तो कपड़े धोते आए ना। उसे बनाया तो कपड़े धोने के लिए ही है, पर उसे जिसने आविष्कार किया था वो भी नहीं जानता कि उसका एक और उपयोग कर सकते हैं। ठहरो बताता हूँ, कहकर चला गया। अगले दिन टेबल पर एक वॉशिंग मशीन लाकर रखा। उसमें दही, चीनी और बर्फ के टुकड़े डाले और उसे घुमाया। वो घूमने लगी। झाग के साथ लस्सी तैयार हुआ। ये देख शशि हैरान हुई। देवाशीष नीचे पाइप से लस्सी को ग्लास में डालकर लोगों को देने लगा। लोग उसकी सूझबूझ देखकर हैरान हो गए। यूं उस वॉशिंग मशीन के कारण एक दिन में 200 ग्लास लस्सी बनाकर बेचने लगे। शादी में भी वो ऑर्डर लेने लगे। इस तरह उन्होंने खूब पैसे कमाए। देवाशीष की वॉशिंग मशीन लस्सी बहुत मशहूर हो गई। अखबारों और टीवी में भी उसकी चर्चा होने लगी। नतीजा ये हुआ कि उस वॉशिंग मशीन कंपनी वालों ने देवाशीष से आकर मिले। मार्केटिंग मैनेजर देवाशीष से, हमारे कंपनी वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वॉशिंग मशीन का ऐसा प्रयोग भी हो सकता है। तुम्हारे वजह से हमारे कंपनी का सेल्स बहुत बढ़ गया है, पर लोग कपड़े धोने के लिए नहीं, लस्सी और जूस बनाने के लिए खरीद रहे हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था उसने खुशी जताते हुए ये ट्रॉफी तुम्हें भेजा है, कहकर उसे एक ट्रॉफी दिया। बहुत खुशी हुई सर, आप तो जानते ही हैं कि जरूरत ही आविष्कार का मूल है। अब तो हमें आपके वॉशिंग मशीन भी कम दिखता है, और ज्यादा कैपेसिटी वाला मशीन हो तो बनवाइए, वरना मुझे कंक्रीट मिक्सर में ही लस्सी बनाना होगा। अरे भैया, ऐसी सोच को रहने दो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वॉशिंग मशीन बनवाता हूँ। यूं शशि और देवाशीष लस्सी बेचकर खुशी खुशी रहने लगे।